देखिए, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 2013 का पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप भी साथ के साथ कमेंट बॉक्स पे अपने जो भी आंसर है वो लिखते रहे। और इससे पहले मैंने 2018 का पेपर सॉल्व कराया है। ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले कभी ये पेपर सॉल्व नहीं किया है या आपको बुक में पेपर नहीं मिला है, लेकिन मैं साथ के साथ जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ढंग से, ताकि आप उससे संबंधित कोई दूसरे क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ में हम लोग एक्सेल की जो सीट है उसे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर में ज्यादा क्वेश्चन 2013 में किस टॉपिक से संबंधित ज्यादा आए। लेकिन मैं आपको राय ये देना चाहूंगा कि कभी भी इस चीज को डिसाइड ना करें कि सी लैंग्वेज के तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन यही कहता है ज्यादातर जो हमें आता है वही चीजें पेपर में आएगी, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के काम हमें नहीं करने। तो आप टॉपिक वाइज में अभी तो सीधा, तो इन क्वेश्चन को तो मैं सीधा आपको बताऊंगा कि किससे संबंधित है, और कंप्यूटर वाले आपको मैं डीपली समझा दूंगा, जरूरत पड़ी तो बोर्ड पे भी समझाएंगे। अब हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है राजस्थान में प्रजामंडल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया। ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब है ए, कहाँ स्थापित किया गया था, अलवर में स्थापित किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा हिस्ट्री से संबंधित है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हिस्ट्री के अंदर इसको लिख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का आ गया। चलिए अब हम वापस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकणी संबंधित है गोवा से, इसी प्रकार डोगरी संबंधित है असम से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से या आपके जम्मू से। तो ये जो है ये इंडिया से संबंधित है और इंडिया का ये जियोग्राफी है। तो आपका इंडिया का जियोग्राफी है और आंसर होगा इसका डी, जम्मू से संबंधित है। तो हम लोग इसमें जियोग्राफी और इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं कि इंडिया की जियोग्राफी का एक क्वेश्चन हमारे आ गया है। चलिए हम वापस से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है चित्रकूट, दूसरा है गढ़बीठली, उसके बाद में है मेहरानगढ़ और कटारगढ़। तो आपका जवाब जो होगा वो होगा बी, गढ़बीठली, और ये है अजमेर से संबंधित। तो वही सेम चीज है कि मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड आते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाले में आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है इसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा को कुल कितने दुर्ग निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो आप देखिए 25, 39, 32 और 30। तो इसका जवाब होगा आपका सी, 32। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा हिस्ट्री से संबंधित है। तो हिस्ट्री का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन किस स्थान से प्रारंभ हुआ है। पहला है जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा है अजमेर और उसके बाद में है अलवर। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हुए चले, और इसका जवाब आपका होना चाहिए जोधपुर। तो आपका जवाब क्या होगा, जोधपुर। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है जो राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित आ रहा है। कंप्यूटर का आएगा तो मैं ज्यादा आपको डीपली अच्छा समझाऊंगा। नेक्स्ट चीज देखिए, गाय भारत के राष्ट्रीय प्रतीक राज चिन्ह में दिखाए गए पशु है, जो राज चिन्ह में आते हैं। एक तो गाय हो गया, हिरण हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, इधर घोड़ा, सांड, शेर हो गया, शेर, हाथी, चीता, हिरण हो गया। तो आप आंसर लिखना शुरू करें। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इंडिया जियोग्राफी से रिलेटेड है, और इसका आंसर है आपका क्या होगा, बी आपका आंसर होगा। तो हम लोग इसको लेते हैं इंडिया जियोग्राफी से। तो देखिए इंडिया जियोग्राफी का ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, दो हो गया। तो देखिए इंडिया जियोग्राफी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं। अब किस धार्मिक संप्रदाय में अग्नि नृत्य का प्रचलन है। पहला नाथ है, दूसरा लालदासी है, तीसरा विश्नोई है,
तीसरा जसनाथी है, चौथा जसनाथी है। तो आंसर आप लोग लिखते चले, मेरे पास में एक ही साथ पीडीएफ आप लोग भेज देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर होगा आपका जसनाथी। और ये हमारा क्वेश्चन है आर्ट और कल्चर से। तो आर्ट और कल्चर का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें ये पता लग रहा है कि देखिए 2013 होते हुए भी कितने क्वेश्चन हमारे जीके रीजनिंग से आ रहे हैं, जबकि 2018 में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था और उसका मैं वीडियो आपको पहले भी बना चुका हूं। अब नेक्स्ट जो चीज है, लोकसभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे, तो ये जो है हुकुम सिंह था, एम ए आयंगर था, जीवी मालवंकर था एंड संजीव रेड्डी था। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग सभी के आंसर एकदम सही लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित बताऊंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि आप बाकी के आंसर एकदम सही लिखें। और ये इसका जवाब होगा आपका, जो नेक्स्ट जो जवाब होगा इसका, ये किससे संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, ये है हिस्ट्री से संबंधित है और इसका जवाब है आपका सी। तो ये हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री का ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने पहले भी आपको समझाया था और यही चीज हमें देखनी है। जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, ये अलग बात है, लेकिन नॉलेज बढ़ाना भी जरूरी है ताकि उसकी प्रैक्टिस हमें हो सके। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित बुक्स कौन सी है, पहला है पैक्स इंडिया, दूसरा है टर्निंग पॉइंट्स, दूसरा ब्रेकआउट नेशन, बियॉन्ड द लाइंस। तो आपका जवाब है इसका बी, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। तो इसका देखिए मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपके बनाए थे और मैंने आपको बताया था कि बुक से संबंधित भी काफी क्वेश्चन आते हैं, वो सेम टू सेम पीडीएफ है। तो देखिए सैटेलाइट बैंक इकोनॉमिक्स, ये तो वो सेम टू सेम मैंने इंडिया की योजना होगी और ये बुक के से रिलेटेड हो गया। तो देखो बुक से रिलेटेड उस पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए थे, तभी मैंने इसको शामिल कर रखा था। तो ये बुक का क्वेश्चन आते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी थी। अब देखिए किस देशी राज्य को मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं किया गया, तो देखिए जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है। तो आप भी एक ही पीडीएफ बना के चाहे मुझे व्हाट्सएप कर दे और चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो इसका जवाब आपका होगा ए, जयपुर। और ये क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से संबंधित है और हिस्ट्री से संबंधित है, तो ये तो भाई हिस्ट्री का छठा क्वेश्चन हो गया। देखिए मैं कंप्यूटर लाइन से हूं तो हो सकता है कि कुछ गलती रह गई हो, तो लेकिन आप लोग को तो ध्यान ही है, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे हो तो सही कर लेना। और नेक्स्ट जो चीज है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में नौ सैन्य विद्रोह कब घटित हुआ, 1946 में, 1944 में, 1933 में और 1942 में। तो इसका जवाब आपका होगा ए, 1946 में हुआ था, लेकिन ये हिस्ट्री है और ये इंडिया की हिस्ट्री है। तो आपको इसके आगे मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी इंडिया हिस्ट्री का और भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसकी संख्या बढ़ा देंगे। देखिए बहुत ही बड़ी बात है कि 2013 के पेपर में भी इतने काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प आप लोग चुनें, असम, बिहू, केरल, और इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन होगा कथकली। तो जवाब इसका हो जाएगा कथकली हो जाएगा। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग में ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, आपके डायरेक्शन हो गया, वैन हो गया, स्टेटमेंट में हम लोग इसको शामिल कर लेते हैं। चले स्टेटमेंट हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, दोनों अपने शामिल कर ही रखे हैं, डाइस है, कोडिंग है, इस तरह से मैंने रीजनिंग का पूरा बना रखा है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, वर्ल्ड बिलियन चैंपियनशिप 2012 का विजेता कौन है, ये देखो गेम से रिलेटेड है और इसका जवाब है ए, पंकज आडवाणी। तो ये गेम का क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने गेम का अलग सा करंट के अंदर बना रखा है और ये देखे मैंने गेम का वन लिख दिया, जैसे बुक को भी इसके अंदर मैंने शामिल कर रखा था। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वो सेम टू सेम पीडीएफ हमारे साथ यूज आ रही है जो एक्सेल वाली है, अगर आपको जरूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखे, मैं आपको ये पीडीएफ एज इट इज सेंड कर दूंगा अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं। निहाल चंद राजस्थान के किस चित्रकला शैली से संबंधित है, जवाब आप लोग लिखे और इसका जवाब होगा आपका बी,
किशनगढ़। और ये है हमारा आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन है। तो आर्ट और कल्चर का एक क्वेश्चन तो आ चुका है पहले राजस्थान का, और ये अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है। अब देखिए, निम्नलिखित से कौन सा पोर्ट्स फाइव फोर्सेस का हिस्सा नहीं है, मतलब पोर्ट्स फाइव फोर्सेस का हिस्सा नहीं है। बायस पावर हो गया, उपलब्ध कंपिटिटर्स के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी, ग्राहक की शक्ति होगी, नई प्रतियोगिता का भय हो गया। तो इसका जवाब आपका होगा सी, आपका ग्राहक शक्ति। ये आपके पोर्ट्स फाइव जो है फोर्सेस का हिस्सा नहीं है। एक तरह से आपके जो अभी करंट में जो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, देखिए मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी पिछली बार भी, सोशल मीडिया ब्राउजर की लिस्ट, और आप लोगों को मैंने कहा भी था कि आप इससे संबंधित टॉपिक को कवर करें। और ये आईटी करंट अपने कर लेते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, आईटी का करंट मैंने इसको एक बार डाल लेते हैं वन में। और नेक्स्ट जो है उसके बाद है टीवी शो सत्यमेव जयता का प्रोड्यूसर कौन था। तो आपको पता ही है इसका प्रोड्यूसर कौन था, आमिर खान था। और ये हमारा जो है करंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो देखिए मैंने करंट में सैटेलाइट रखा है, बैंक रखा हुआ, इकोनॉमिक्स था, काफ़ी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, योजना के, लोकेशन के, इंडिया की योजनाओं के, इलेक्शन के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और ये है आपके मतलब एंटरटेनमेंट कर सकते हैं हम लोग, या इसको आप एंटरटेनमेंट में डाल देता हूँ, टीवी शो लिख देता हूँ एक बार मैं इसको टीवी शो, ठीक है, बाद में अपने इसको देख लेंगे किससे रिलेटेड है, करंट का ही क्वेश्चन है, ये करंट के ही टॉपिक है सारे। और उसके बाद में किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, दांडी मार्च हो गया। तो इसका जवाब आपका होगा डी, दांडी मार्च। तो ये जो है इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए इंडिया हिस्ट्री का हमारा अभी तक 6 क्वेश्चन तो हमारे राजस्थान हिस्ट्री के आए थे, और ये इंडिया हिस्ट्री का हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, कौन सा लोक देवता कोलू गांव से संबंधित है, पापू जी है, रामदेव जी है, तेजा जी है, और गोगा जी है। तो इसका जवाब आपका होगा ए, पापू जी। और ये आपके आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, और आर्ट एंड कल्चर का ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। तो मुझे तो पैटर्न ज़्यादा अभी तक फर्क लगा नहीं 2018 और 13 में, अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2011 और 12 के मीरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, और ये पुरस्कार जो अवार्ड्स जो होते हैं, और ये करंट का क्वेश्चन हमारा होगा, और इसका जवाब है अंबिका दत्त। तो अवार्ड्स का मैंने पिछली बार ये शामिल किया था कि नहीं किया था, देखिए जल्दी जल्दी में मैंने टीवी शो जरूर लिख दिया, लेकिन यहाँ हम लोगों को अवार्ड का जरूर पता होना चाहिए कि नए अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, ताकि हमें पता रहे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा 2018 वाला वीडियो भी आप जरूर देख लें, ताकि आपको इस चीज़ का नॉलेज रहे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना किसकी भागीदारी में स्थापित की जा रही है, और उस समय 2013 में ये भारत और जापान के थ्रू हमारी योजनाएं शामिल हुई थी, और ये भी करंट का क्वेश्चन है, और ये एक तरह से इंडिया योजना है। देखिए इंडिया की योजना वाले क्वेश्चन उसमें भी थे, इसमें भी है। अब नेक्स्ट जो देखिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने के लिए संकल्प कब पारित किया गया था, राजस्थान विधानसभा का, देखिए 2013 के समय के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, और उस समय 18 अप्रैल 2012 को शामिल किया गया था। और ये तो हमें पता ही है कि ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, तो हम लोग इसे शामिल कर लेते हैं, आईटी करंट तो नहीं है ये, और ये हो जाएगा हमारे, देखो सैटेलाइट तो हमारा जो है उसके अंदर था ही। देखिए इलेक्शन के साथ में मैं अपने ऐसा कर लेते हैं, इसमें अपने जो राज्यसभा है या विधानसभा है इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं, तो पॉलिटिकल हो गया वैसे, और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, वन इसका लिख लेते हैं। अब देखिए करंट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को 6 से 14 वर्ष के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकारों में शामिल किया गया था,
आंसर्ड है 86, संविधान का है, ये भी पॉलिटिकल का ही है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसमें से सैटेलाइट, जैसे पिछले आप बैंक के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, और यहाँ पर मैं पॉलिटिकल के क्वेश्चन डाल देता हूँ जो अभी लेटेस्ट में हैं, और इसको हम लोग पॉलिटिकल करने के बाद में देखें। एक ये विधानसभा वाला मैंने डाला था यहाँ पर, इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ इसको, और यहाँ पर हम लोग कर लेते दो क्वेश्चन पॉलिटिकल के होंगे, ठीक है। इजीली हमें याद भी रह जाएगा कि भाई जो हमारे हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पूर्व है, और महीने के 19वां दिन कौन सा दिन होगा, रविवार, सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, तो जवाब आप देख चुके हैं क्योंकि मैं इसको स्किप कर चुका था। रविवार आपका आंसर होगा। और रीजनिंग में ये जो क्वेश्चन जो है ये हमारा कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन होगा, और इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं कैलेंडर वाले में। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया कैलेंडर का, ठीक है। और उसके बाद में टेनिस संबंधित कोर्ट इसी प्रकार के बॉक्सिंग संबंधित से है, रिंग से है, पुल से है, कोर्ट से है, एरिना से है। तो आपका जवाब क्या है आप तुरंत लिखें, और आपका जवाब होगा रिंग से संबंधित है। और ये हमारा गेम से संबंधित हो गया, तो गेम का ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया जो कि गेम से संबंधित है। तो ये टेनिस संबंधित कोर्ट से है इसी प्रकार। अच्छा, ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन हो गया, और रीजनिंग में ये जो क्वेश्चन है ये हमारा शामिल रहेगा सेटिंग अरेंजमेंट कंक्लूजन कर देंगे, क्योंकि ये हमने एक स्टेटमेंट लिया, तो मैंने इसको गेम समझ लिया था, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द कंप्यूटर वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प कलिका है, पादप है, तो ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, फल का है, बीज का है, टहनी का है, और जो है वो होगा पादप, और उसके बाद में पत्तियां। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा बी, और ये भी आपका जो क्वेश्चन है कंक्लूजन से रिलेटेड है, और इसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह से निम्न में से कौन सा पिता पुत्र का रिलेशनशिप हो गया, मैनी टू वन होता है और मैनी टू मैनी होता है, तो ये तो कंप्यूटर में भी आता है अपने, तो वन टू मैनी इसके अंदर जो है इसके अंदर शामिल रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है अगर आप रीजनिंग में अगर इसको शामिल करते हैं तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारा हो गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इस हिसाब से रीजनिंग का ही क्वेश्चन था। और इसी तरह से एक चेस प्रतियोगिता में भाग ले रहे 6 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी एक मैच खेलेगा, बताए पूरी प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे। तो रीजनिंग तो है ही, ये तो पता ही है हमें, लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये रीजनिंग में किससे रिलेटेड है। तो ये जो है टॉपिक, तो ये जो हमारा टॉपिक हो गया ये किससे रिलेटेड हो गया, हमारा रैंकिंग से रिलेटेड हो गया, और इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखें, एक परिवार में एक आदमी है, उसकी पत्नी है, उसके 4 पुत्र है और उसकी पत्नियां हैं, प्रत्येक परिवार में 3 पुत्र तथा 1 पुत्री भी है, तो इस पूरे परिवार में नए सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो ये जो है 4, 8, 15 और 17, 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, और इसका जो जवाब जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, D17 हो जाएगा। तो रीजनिंग में अगर हम इसको शामिल करते हैं तो ये रीजनिंग के अंदर हमारे रैंकिंग टेस्ट के अंदर शामिल होगा। तो रैंकिंग का ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए बी का भाई है और बी ए बी का भाई है, सी व डी बहने हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बताओ बी व सी में क्या संबंध होगा। भाई, पिता, अंकल और दादा, ये आपका क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसका जो जवाब जो होगा वो आपका सी होगा, अंकल होगा। और ये जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो हम इसको 2 क्वेश्चन दे दें। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें भी काफ़ी आए हुए हैं, तो पैटर्न कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है 2013 और 18 के अंदर। समय 2 बजे से 10 बजे बीच घड़ी की सुइया कितनी बार राइट एंगल पर होगी, तो
12, 16, 15 और 14, और ये क्वेश्चन क्लॉक से संबंधित है और इसका जवाब होगा 14। तो ये हमारा क्लॉक से संबंधित है, तो मैंने देखे इसमें कैलेंडर तो ले रखा है लेकिन क्लॉक नहीं लिया है, तो मैं कैलेंडर एंड क्लॉक साथ में ले लेता हूँ, तो इसको क्लॉक भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे CLOCK क्लॉक। तो ये क्वेश्चन हमारा कितना हो जाएंगे, दो क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, जब घड़ी में समय 8:25 बाकी है तो सुई या मिनट की सुई द्वारा दिखाए गए कोण में डिग्री क्या होगी। तो ये जो है आपका जो जवाब है वो आपका क्या होगा, C 17.5 होगा, और ये भी क्लॉक से संबंधित है। तो इसमें भी देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक कंप्यूटर के क्वेश्चन तो स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो अगर ये 200 क्वेश्चन है तो अगर हम लोग आज इसमें से केवल 100 ही क्वेश्चन इसमें से करेंगे, तो एक छात्र ने जितने सही प्रश्न हल किए हैं उसके दुगने गलत प्रश्न हल किए हैं। यदि उसे हम लोग 48% हल किए तो उसने कितने प्रश्नों को हल किया है, तो इसका जवाब होगा 16। और ये जो है ये हमारा पजल का क्वेश्चन है और इसको मैं दे देता हूँ 1। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहता है लेयर 4। अब ये हमारे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन शुरू हुआ है। लेयर 4 फायरवॉल डिवाइस जो ट्रांसपोर्ट लेयर तक के सभी प्रोटोकॉल हेडर्स को देख सकती है, निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकती। तो अपने ऐसा कर लेते हैं कि या तो आज GK और रीजनिंग वाले जितने क्वेश्चन है पहले वो ढूंढ के कवर कर लेते हैं, और फिर मैं अगले वीडियो में केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें से ढूंढ कर मैं आपको करवा दूंगा। तो मैं ढूंढ लेता हूं पहले उसके लिए। अब आपके जो है, चलो चलने देते हैं अपने जैसा चल रहा है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये नेटवर्किंग का है, और मैं थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता देता हूँ कि फायरवॉल जो होता है वो बाहरी जो सुरक्षा है वो देने का काम जो है वो फायरवॉल करता है, और जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो आपके जो है वो एंटीवायरस के द्वारा दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका ट्रैफिक है उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तब आप इसका यूज करते हैं। तो कंप्यूटर के नेटवर्किंग के क्वेश्चन आ गए हैं, एक दो क्वेश्चन आ गए हैं, तो उसको पहले अपने देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत के लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो सारे GK रीजनिंग के हैं, तो वो अपने आज कवर कर लेंगे। देखिए फायरवॉल पहले भी मैंने CNONS में लिखा था, वो सेम ही क्वेश्चन वापस हमारे यूज आ गया, तो इसका मतलब फायरवॉल अच्छा टॉपिक है। अब देखिए नेक्स्ट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कौन सा फ्लेवर काम में लिया जा सकता है, जब एक ही IP एड्रेस से कई यूजर ग्लोबली इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। नेट का है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, या PAT है। नेटवर्क नेट होता है, नेटवर्क एड्रेस जो है ट्रांसलेशन होता है, डायनेमिक रहता है, उसमें हम पाथ जो है वो बदल सकते हैं, स्टैटिक में फिक्स रहता है। तो इसका जवाब जो है वो आपका होगा, ये कह रहा है कि कौन सा फ्लेवर काम में लिया जाता है जब एक ही IP एड्रेस से कई यूजर ग्लोबली इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो उसका जवाब आपका होगा PAT। तो नेट का ही एक फ्लेवर है PAT, और ये क्वेश्चन जो है ये प्रोटोकॉल का क्वेश्चन है और मैंने वो उसमें लिखा हुआ ही था। नेक्स्ट देखिए TDM, TDM में कई संकेतों को एक चैनल के रूप में कई समय स्लोटेड मोड में भेजा जाता है, एक संकेत कई उपयोगकर्ताओं के लिए भेजा जाता है और कई संकेत अलग। देखो TDM का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको बराबर बराबर हिस्सों पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा FDM भी होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है, और CDM में होता है वो कोड डिवीजन होता है। तो इसका जवाब आपका होगा किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, समय के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और नेटवर्किंग के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये बैंडविड्थ का क्वेश्चन है, देखिए पहले से ही मैंने बैंडविड्थ लिखा हुआ है, और ये नहीं है कि ये 2018 की वजह से मुझे बैंडविड्थ लिखना पड़ा था पेपर की। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए वापस से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए। हाउ मैनी फाइव्स आर देयर आर फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 3 बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई 7। मतलब वो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, और ये हमारे जो है वापस से हम रीजनिंग वाले टॉपिक में आ जाते हैं, और ये हमारा हो गया अरेंजमेंट का मिसिंग नंबर में।
डाल सकते हैं हम इसको, या हम लोग इसे काउंटिंग फिगर में। तो आपका इसका जो जवाब होगा ये एक तरह से पजल से संबंधित हो गया। मैंने डायरेक्शन और पजल दोनों साथ में रखे हुए हैं, तो ये हमारे दो क्वेश्चन इसके अंदर हो गए। देखिए रीजनिंग के भी काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसका जवाब हो गया 1। और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और इसको मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। और इसका जवाब है ए, 16 और 10। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम मैंने बेसिक के अंदर जरूर लिखा होगा नंबर सिस्टम। ये देखिए पिछली बार भी मैंने 2018 वाला पेपर भी आप देख लेना, नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आए थे। अब देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म, यानी कि एकदम मिसिंग नंबर हो ही गया टॉपिक, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है इस बारे में। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको पता करना पड़ेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 10781। तो ये हमारा मिसिंग नंबर का है। वापस से हम लोग रीजनिंग वाले में आ जाते हैं, और रीजनिंग में ये रहा मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन। देखिए जितने टॉपिक हमने लिखे हैं लगभग सारे टॉपिक पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कवर हो रहे हैं, और इसमें भी कवर हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, चूज द मिसिंग टर्म्स आ गई है, ABD, DGK, HMS, MTB और SBL। और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, JKW। तो कोडिंग डिकोडिंग वाला भी देखे अभी तक खाली पड़ा था बॉक्स, और ये कोडिंग डिकोडिंग वाला भी बॉक्स हमने फिल कर दिया। अब नेक्स्ट है चूजिंग द मिसिंग टर्म आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव, UPIPW है, और वही सेम आप मिसिंग के अंदर डाल सकते हैं, और इसका जवाब हो जाएगा डी, आपका जवाब हो जाएगा। तो ये आपका किस में आ जाएगा, मिसिंग वाले में आ जाएगा। तो मिसिंग वाले नंबर में हम लोग इसको शामिल कर लेते हैं। देखिए मिसिंग नंबर के कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, इसने कहा आंसर तो आपको दिख ही गया है, D=4, cover=63, देन बेसिक बराबर क्या होगा, और यानी कि ये कह रहा है डी अगर 4 है, कवर अगर 63 है, तो बेसिस की वैल्यू क्या होगी। तो एक तरह से ये हमारा जो है पजल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग डाल लेते हैं सी, इसका आंसर है 50। तो हम लोग, तो ये जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है, मैंने सेव कर लिया है फाइल को, PDF फाइल बना के आपको मैं आपको भेज दूंगा। अब ये देखिए 3+9=31 है, 15+12=45 है, 18+9=36 है, तो 12+27 क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है, तो आपने क्या करा, 3+9 ये बनता है, 15+12 ये बनता है, 18+9 ये बनता है। तो देखिए एक तरह से ये आपके पजल में रख लो, या आप इसको शामिल कर सकते हैं, इसका जवाब होगा सी, कोडिंग डिकोडिंग में इसको आप शामिल करेंगे। और ये भी कोडिंग डिकोडिंग टाइप का ही हो गया कि भाई ये अगर ये है और ये अगर ये है तो इसका क्या जवाब बनेगा। तो ये सी हो गया अपना। नेक्स्ट है विच फ्रैक्शन नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, पहला 1/2 था, फिर 3/4 था, फिर 5/8 था, फिर 7/ आपका हो गया 16 हो गया। तो इसका जवाब जो है वो आपका ए होगा, और ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, और रीजनिंग में मैंने आपको इसे शामिल किया है सीरीज के अंदर। तो ये देखिए सीरीज के अंदर आपका शामिल हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी देखिए 0, 6, 24, 60, 120, 210 आपका लिया है, ये भी आपका जो है सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और इसका नेक्स्ट सीरीज में क्या बनेगा ये आपका आ गया 336। देखिए सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, और अभी हम 2011 का पेपर भी सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर स्ट्रक्चर का भी सॉल्व करेंगे, तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें हमें पता लग जाएगी। अब ये देखिए 1/2 अगर 32 है, 4/3 ये है, 4/7 ये है, तो इसका जवाब क्या बनेगा। सेम उसी स्टाइल का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया, चाहे तो आप इसे पजल में भी डाल सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर इस तरह की कर लें। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग इस तरह के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ पहले क्या था, और जो है हमारा नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन जो है सीरीज के 2 क्वेश्चन हो गए थे, और कोडिंग डिकोडिंग का ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। कंट्रोल एस मैं कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है अगर Z=52 है, Act=48 है,
देन बैट विल बी इक्वल टू, तो बैट किसके इक्वल होगा, और इसका जवाब आपका होगा बी 46 के इक्वल होगा। सेम टू सेम कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखिए रीजनिंग और करंट काफी अच्छा कवर कर रहे हैं। लास्ट में मैं समरी जरूर बताऊंगा, जैसे मैंने आपको 2018 की बताई थी। और इफ 3 + 5 ये है, 7 + 9 ये है, 10 + 12 ये है, तो 11 + 3 क्या होगा, इसका जवाब आपका होगा 49। तो ये हो गया, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन हो गया, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं, और उसके बाद में अगर मैंने कहा 840 है, 162 है, 42, 14, 7 है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, और ये हमारा जो क्वेश्चन जो है ये किसका हो गया, सीरीज का हो गया, और इसका जवाब है 7। तो सीरीज में ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट जो है 49 नंबर है, 49 नंबर में देखें मिसिंग एलिमेंट लग रहे हैं हमें, और मिसिंग लेटर लिखा हुआ भी है, और इसमें कह रहा है कि क्या चीज़ मिस है इसके अंदर, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ए, ACBA, मतलब ए आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हमारा रीजनिंग का क्या हो गया, मिसिंग नंबर का हो गया। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया मिसिंग नंबर का, या मिसिंग एक तरह से अल्फाबेट है। और लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखे, वही सेम है, 190 इस तरह से पैटर्न आपको दे रखा है, और ये भी हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है, और क्या बनेगी सीरीज, तो सीरीज का ये चौथा क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले भी कहना चाहूंगा कि ये कोई रूल नहीं है कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं, यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। देखिए मिसिंग लेटर का क्वेश्चन दे रखा है, वापस से ABCA करके खाली छोड़ दिया, तो आप इसके अंदर अकॉर्डिंग आंसर आप लोग बता दें क्या आंसर आपका होगा, इसका जवाब होगा ABAC। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक तरह से मिसिंग वाले का हो गया। तो ये चौथा हमारा क्वेश्चन हो गया मिसिंग का, और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन, ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन के देखेंगे डीपली ढंग से। अब देखें ये इसका जवाब है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955, मतलब पहली बार जो कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब हम लोग हमारी एक्सेल शीट को देख लेते हैं। अब एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, तो ये आईटी सेक्टर का है, करंट आईटी का है, और एक तरह से इतिहास इससे पूछा हुआ। मैं देख लेता हूँ मेरे इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो पूछी गई है, तो एक तरह से हिस्ट्री पूछी हुई है, और वो भी आईटी की हिस्ट्री पूछी हुई है कि भाई किसने कब उसको डेवलप आपके किया था। तो हम लोग इसको आईटी के करंट में डाल देते हैं, तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं आईटी का करंट है कि भाई कब डेवलप हुआ था, एक तरह से है तो हिस्ट्री आईटी की। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो निम्न में से किसका भाग है। क्वेश्चन है पब्लिशर, ऑफिस, एक्सेस और विंडो, तो आपका जवाब होगा बी। पता ही है वर्ड के वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे उसी के पार्ट है, और ये बेसिक में हमारे जो क्वेश्चन है ये ऑफिस का क्वेश्चन है, और ऑफिस में भी एक तरह से वर्ड कर लिया मैंने इसको, देखो अलग अलग बना रखा है ताकि हमें पता रहे। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो रैम जो है कैन स्टोर, रैम किसको स्टोर कर सकती है, डेटा को, प्रोग्राम को, प्रोग्राम और डेटा दोनों को कर सकती है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सिंपल सी बात है कि रैम प्रोग्राम को भी स्टोर करती है और डेटा को भी स्टोर करती है, तो ये हमारा मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। और देखो कमाल की बात यह है कि मेमोरी से संबंधित मैंने एक अलग सा ऑप्शन बना रखा है, जिसे रोम भी लिख रखा है, मेमोरी भी लिख रखा है, तो अब मैं इसको केवल जो है नाम मेमोरी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए वेब ब्राउजर, ये कह रहा है कि ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है, सफारी है, फॉक्स प्रो है,
ओपेरा और मोजिला है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपसे पूछी जाए, ढंग से सुन लेना आप लोग, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपसे पूछी जाए तो वो फॉक्स प्रो है। बाकी सारे के सारे ये जो है वेब ब्राउजर है, और हमारा क्वेश्चन जो है ये आईओटी के अंदर वेब ब्राउजर से संबंधित है। तो ये देखिए ब्राउजर हमारा टॉपिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्सेल सीट तो कामयाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 के बाद में हम लोग करते हैं 56, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। ये कहता है कि वर्ड प्रोसेसर का ग्राफिक्स क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, पेरिफेरल होगा, क्लिप आर्ट होगा और हाईलाइट होगा। तो वर्ड प्रोसेसर का ग्राफिक्स जो है वो क्लिप आर्ट होगा, और ये एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन है, और क्लिप आर्ट उसी का ही पार्ट है। तो वो तो आपको ऑफिस अगर आप डीपली करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। ऑफिस का अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर बैंक चेक, बैंकों के चेक करने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है? तो आपको पता ही है हम लोग किसका यूज करते हैं, MICR का। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखे मैंने पिछली बार तो क्या एक सिंपल प्रिंटर ही लिख दिया था, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसका नाम कर देते हैं इनपुट और आउटपुट कर लेते हैं हम लोग। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमारा हो जाएगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्योंकि MICR जो है वो इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपके आती है, बैंकों के चेक करने के लिए काम में आती है। बूट स्टेप के बारे में पूछा हुआ है, बूट स्टेप क्या होता है? आपको पता ही है कि एक डिवाइस है या कंप्यूटर को एक एरर को चेक करने के, एक मेमोरी डिवाइस है, एक स्मॉल इनिशियल प्रोग्राम है जो स्टार्ट करता है। तो पता ही है कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो इसी से स्टार्ट होता है, और ये बूट स्टेप उसका जवाब है। तो हमारे बेसिक क्या क्वेश्चन है ये, और बेसिक में मैं इसको एक नंबर में डाल देता हूँ, बूट स्टेप नाम से क्वेश्चन हो जाएगा। और बेसिक के बारे में मैंने सीमोस है, बायोस है, उसके बारे में बताया था। बायोस जो है रोम का ही पार्ट होता है, एक फर्मवेयर है। कई बार मैं आपको बताता हूँ, ईमेल यू रिसीव अपियर इन, जो भी आपके ईमेल है वो आपके कहाँ अपियर होते हैं? सिंपल सी बात है, वो हमारे इनबॉक्स में अपियर होते हैं। तो ये हमारा ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है। और आईओटी में देखिए पिछले बार वाले पेपर में नहीं था शायद क्वेश्चन, और इस बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ईमेल, और ईमेल भी हमारा इसके अंदर अब शामिल हो चुका है, और इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेल कहलाता है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है, पेपर का जो पैटर्न जो है वो टफ होता जा रहा है, और ऑफिस के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल पेपर में भी आजकल ढंग के पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन तो शायद ही आपके पूछे जाएंगे। हाँ, अगर हम मन की तसल्ली के लिए चाहे तो ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं अलग अलग बुक से, ताकि हमें लगे कि हमें ऑफिस आ रहा है, लेकिन आप बढ़िया तरीके से करना। 2007 का है, 2016 वाला ऑफिस अपन को करना पड़ेगा। कह रहा है कि स्पीकर कमेंट्स किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो स्पीकर कमेंट्स जो है वो नॉर्मल है, और नोट्स पेज व्यू के द्वारा दिए जाते हैं। देखिए पावर पॉइंट का अच्छा डीपली क्वेश्चन है, और मैं पावर पॉइंट में ही एक बढ़ा रहा हूँ, तो ये पावर पॉइंट का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट व्यू, आंसर तो आपको दिख ही चुका होगा। वर्ड का क्वेश्चन है कि कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है, तो इसका जो डी है वर्क व्यू, मतलब ये तीन तो होते हैं प्रिंट करने के लिए, वेबसाइट पे देखने के लिए, नॉर्मली जहाँ हम लोग काम करते हैं, लेकिन वर्क व्यू नाम से कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये हमारा वर्ड का क्वेश्चन है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा वर्ड का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेल वर्क स्पेस, वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? रो है, वर्कशीट का ग्रुप है, वर्क बुक का ग्रुप है, या कॉलम का ग्रुप है? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा कि ये किसका समूह है, वर्क बुक का ग्रुप समूह जो है वो आपका वर्क स्पेस कहलाता है। तो ये हमारा किसका क्वेश्चन हो गया, एक्सेल का क्वेश्चन हो गया, और एक्सेल वाले में मैं एक नंबर और बढ़ा देता हूँ। और उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन आर डन बाय, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो है वो किसके द्वारा पूरी की जाती है? तो आपको पता ही है ALU जो है वो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। तो आपका जवाब हो जाएगा, बेसिक का जवाब है
और इसके कितने हो जाएंगे, दो आपके हो जाएंगे। सीपीयू का क्वेश्चन आपका हो गया और कंट्रोल एस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय नेटवर्क। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होती है, फायरवॉल होती है या एंटीवायरस होती है। तो संबंधित क्वेश्चन फायरवॉल का एक क्वेश्चन और बढ़ गया है। और उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 66 पे, तो ये कहता है RJ45 यूटीपी केबल हैज, उसमें कितनी केबल्स होती है। RJ45 का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो इसका जवाब होगा बी, 4 पेयर की होती है। तो ये हमारा हो गया कितना, 4 पेयर। तो ये केबल का क्वेश्चन आ गया, या इथरनेट का भी आप लोग कह सकते हैं। तो नेटवर्किंग में मैं केबल ही टॉपिक डाल ही लेता हूँ, और केबल टॉपिक डालने के बाद मैं कह देता हूँ कि ये एक क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है, केबल से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी OSI लेयर्स आर कवर्ड इन X.25। तो इसका जवाब आपका क्या होगा, इसका जवाब आपका होगा 3। मतलब X.25 पे कितनी लेयर कवर होती है, 3 लेयर कवर होती है। और ये प्रोटोकॉल का क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल बढ़िया तरीके से आपको करने पड़ेंगे नेटवर्किंग के अंदर। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये कहते हैं द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। जब डेटा को आप अरेंज करते हो किसी लॉजिकल ऑर्डर में, तो वो सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, क्लासिफिकेशन है या समरी है। तो आपका जवाब जो होगा वो क्या होगा, सॉर्टिंग आपका जवाब हो जाएगा। और ये जो है आपका क्वेश्चन जो है, मतलब डेटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना, सॉर्टिंग करना होता है। और ये आपका DP डेटाबेस प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है, DP का क्वेश्चन है, और मैं उसको इसके अंदर एक डाल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ IPv4। IPv4 की क्लास कौन सी होगी, आपको रेंज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, D आपका जवाब होगा। और आपको रेंज IP की याद रखनी है। देखिए IP अलग सा ही लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 2018 में भी आ चुका था। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेगरी फाउंड इन कस्टम एनिमेशन इन MS PowerPoint। MS PowerPoint में कस्टम एनिमेशन अगर आप देते हैं तब आप किसका यूज करते हैं। देखिए मैंने अभी कल परसों ही क्लास में आपको PowerPoint करवाया था, तो उसमें एनिमेशन के सारे टाइप मैंने आपको लिखवाए हैं, और उसमें एक एक चीज बताइए कि कितने टाइप होते हैं उसमें एनिमेशन के। तो देखिए PowerPoint का अच्छा क्वेश्चन है, पूरा डीपली अंदर से पूछा हुआ है कि एनिमेशन के अंदर PowerPoint का है, और उसका एनिमेशन का टाइप पूछा हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क कॉल्ड। जब आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है तो उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पता ही है, वो हमारा क्या कहलाता है, IP एड्रेस कहलाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। और ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की फॉर सेव एज। मतलब देखो सेव एज जो है वो Ctrl+S से भी सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खुलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सेव कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि Ctrl+S ही शॉर्टकट की है, F12 के द्वारा भी आप सेव कर सकते हैं। तो आपका जवाब जो होगा वो वर्ड का होगा, और वर्ड में कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर। तो आपको पता लग ही गया होगा कि सारा जो ध्रुव है वो क्या है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कहता है विच मेन्यू डू यू फाइंड द ऑप्शन ऑफ रैप इन रैप टेक्स्ट इन ए सेल ऑफ MS Excel 2007 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है रैप टेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका किस में पाया जाता है। तो रैप टेक्स्ट देखिए, कई बार मैं आपको वर्ड एक्सेल पढ़ाते वक्त भी, मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें भी कई बार मैंने वर्ड एक्सेल के अलग से वीडियो बनाते वक्त भी पहला काम मैं यही करता हूँ कि आपको रिबन के बारे में बताया जाए, मेनू के बारे में बताया जाए कि कौन से मेनू में क्या ऑप्शन है। तो ये आपकी बात क्लियर हो चुकी है। तो होम मेनू में है तो वर्ड का ही क्वेश्चन है, और वर्ड का कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, 5th नंबर। ऐसे क्वेश्चन तभी छोड़े जाएंगे जब हम उसमें से भी कुछ सेलेक्टेड कर लेंगे वर्ड एक्सेल में से, हम कहेंगे हम बार बार लिखेंगे नहीं, बार बार याद नहीं करेंगे, तो ऐसी दिक्कत आएगी। एट द रेट ऑफ का अगर आप यूज करते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि एट द रेट ऑफ अगर यूज लिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है।
तो एट द रेट ऑफ अगर आप यूज करते हैं तो आप उसके अंदर से बताएंगे कि ये हमारी क्या होती है, एक यूजर आईडी है और ये हमारा ईमेल, मैंने टॉपिक डाला था, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन ईमेल का, और कंट्रोल एस मैंने कर दिया, अल्ट टैब मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, विच मेनू कीप्स द गोल सी कमांड। देखिए गोल सी कमांड कौन से मेनू में पाई जाती है, मैं कई बार आपको कहता हूं, पढ़ाते वक्त भी कई बार आपको कहता हूं कि आप जो भी मेनू है उसमें कौन से मेनू में क्या पाया गया ये जरूर बताएं। तो इसका जवाब जो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये डेटा मेनू में पाया जाता है। और 75 का जो आंसर होगा वो वर्ड का क्वेश्चन हो गया, मेन्यू का क्वेश्चन हो गया, अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू रन एट सेम टाइम। जब आप एक समय में कई प्रोग्राम को अगर आप एक साथ में रन करते हैं तब आप उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए, कई प्रोग्राम को एक साथ रन करवाना है तो आंसर हो गया मल्टीटास्किंग। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक सा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कह रहा है। तो हमारे पास में ये रहा ओएस, ओएस के अंदर हमने एक लिख दिया, भाई बैच प्रोसेसिंग है, सीरियल प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा किस कंपनी ने क्विक टाइम फॉर्मेट बनाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा चारों के अकॉर्डिंग देखते हुए, एप्पल में पहली बार क्विक टाइम फॉर्मेट आया था। और ये जो है ये आपका बेसिक का आपका क्वेश्चन हो गया। बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किसके लिए हमारा यूज हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते 78 पर, 100 ही क्वेश्चन करेंगे हम इस पार्ट में। नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन है उससे मैं आपको कंप्लीट समरी आपको बता दूंगा। अब देखिए द साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू नंबर ऑफ स्टेशन इज नॉन एज, मतलब एकदम बराबर जो डेटा को जब हम अलग अलग स्टेशन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं तब वो क्या कहलाता है, इसका कहलाता है ब्रॉडकास्ट। और ये बैंडविड्थ का ही हमारा जवाब है, चाहे वो टीडीएम में हो गया, सीडीएम में हो गया, और इसी तरह से स्पेक्ट्रम हो गया, ये सारे पार्ट किसके होते हैं, बैंडविड्थ के होते हैं। तो इसका क्या टारगेट हो गया, ब्रॉडकास्ट आपका हो गया। अब देखिए मैक्सिमम रेंज ऑफ जूमिंग, जूमिंग जब एमएस वर्ड में करते हैं तो कितना लेता है। तो देखिए 2016 में भी मैंने कई बार आपको बताया कि जूम के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक्सेल में कितने का फर्क पड़ जाता है। तो इसका जवाब होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। और 2007 में इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, ये भी आपका वर्ड का क्वेश्चन है, और वर्ड के हमारे अभी तक 7 क्वेश्चन हो चुके। अब आप तो ये कहेंगे भाई हम तो केवल वर्ड ही पढ़ के जाएंगे, तो वो आपकी परेशानी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ शुरू से वीडियो में कि ढंग से सब पढ़ना है। ये एक स्मार्ट स्टडी होगी कि क्या टॉपिक ज़्यादा पढ़े जाते हैं, तो टॉपिक को बैठ लेके बैठ सकते हो और उसको टिक कर करके याद कर सकते हो। प्रोटोकॉल जो है सिक्योर सेंडिंग के लिए जो यूज में आता है, नाम से ही आपको पता लग रहा है HTTP तो होगा नहीं, HTTPS होगा, जो कि आपको सिक्योर सेंडिंग करने में मदद करेगा। तो ये हमारा प्रोटोकॉल का क्वेश्चन हुआ, और हमारा कहाँ तक पहुँच चुका है, चौथे नंबर पे ये हमारा हो चुका है। कंट्रोल एस हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम वीडियो में काम आएगा हमारा। द डिजिटल सिग्नेचर कांट प्रोवाइड, जो भी हमारे डिजिटल सिग्नेचर है वो नहीं प्रोवाइड करा पाते। कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी एक ऐसी चीज है जो डिजिटल सिग्नेचर में आउट हो जाती है। तो आपका जो इसका जवाब है वो नेटवर्क सिक्योरिटी है, अगर आपके नेटवर्क सिक्योरिटी ऑप्शन अलग सा ले रखा है। तो देखिए CNONS में नेटवर्क सिक्योरिटी आपका ले रखा है, क्रिप्टोग्राफी का पार्ट हो गया एक तरह से, उसको एक रूप से क्या कर देना, दूसरे रूप में बदल देना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने का क्या तरीका होता है, कई बच्चे Ctrl+N बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, और वर्ड एक्सेल में ही ऐसी आप गलती करेंगे तो आप ये सोचें कि इससे अच्छा है कि आप तैयारी छोड़कर आप अपने पर्सनल काम ज़्यादा करें जो कि आप नॉर्मली करते हैं। और इसका जवाब क्या होगा, आपका ये PPT का इसका जवाब हो गया आपका। और इसी तरह से नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर पावर पॉइंट में इलिप्सिस मोशन प्री डिफाइन किया जाता है, इलिप्सिस जो मोशन जब आप देते हैं तो ये एनिमेशन का पार्ट है, और मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था कि मैंने पूरे एनिमेशन के नाम, पूरे
पूरे ट्रांजिशन के नाम बच्चों को लिखवाए थे। कई बच्चे मना भी कर रहे थे कि सर मत लिखवाए, हमें इतना कोई आएगा क्या, पूछा जाएगा क्या। तो ये पीपीटी में देखें एनिमेशन स्कीम है, और वो भी क्या पूछा हुआ है, इलिप्सिस मोशन पूछा हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट ना बनके, जो आपको डायरेक्शन दी जा रही है उस डायरेक्शन को फॉलो करें। व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑन द बाइनरी नंबर, नंबर सिस्टम का है, अभी सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम में बी हो जाएगा, और ये मैंने दो इसको कर लिया। अब नेक्स्ट देखें, पेपर का पैटर्न से समझ में आता है कि कैसे हमें तैयारी करनी है, जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि मेरे नोट्स से आप पढ़ लेंगे, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ज़रूरत है पढ़ने की, चाहे 2018 वाला पेपर आप मैच करा ले, चाहे ये पेपर मैच करा ले। DSCP जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है, कैसे, UDP के साथ। तो 85 जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रोटोकॉल का क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन आया है प्रोटोकॉल का आया है, मतलब नेटवर्किंग का आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं अभी तक, जो 50 क्वेश्चन हमने देखे। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक इनक्रिप्ट करने का तरीका है, और इनक्रिप्टोग्राफी या इनक्रिप्शन सिक्योरिटी मैंने पहले से ही काफ़ी कर रखी है, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का, इसको मैंने दो कर लिया है। और इसी तरह से नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी रेफर टू, मतलब डेटा इंटीग्रिटी किसको रेफर करती है, तो डेटा इंटीग्रिटी आपका हो गया एक्यूरेसी, ये आपकी पता लगाती है कि वो सुरक्षित है या नहीं है। तो आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा, जो कि आपको क्या दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है, कितना ये जाएगा डीपली। नेक्स्ट जो है ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए आपको एक जैसे क्वेश्चन काफ़ी लगेंगे, इसका जवाब जो है वो सी होगा, और बेसिक का क्वेश्चन है, बेसिक आप तैयार जरूर करें, बेसिक में बेसिक चीज़ें आपको तैयार करनी है जो कंप्यूटर में पूछी जाती हैं। तो अब नेक्स्ट जो है MS पावर पॉइंट में अगर पहले से कोई प्रेजेंटेशन है और उसी को अगर हम लोग ओपन करना चाहते हैं, तो पता ही है कि पुरानी प्रेजेंटेशन खोलने के लिए हमें Ctrl+O की जरूरत पड़ती है। पावर पॉइंट का अगला क्वेश्चन है, अभी मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ रेगुलर बैच में भी, वो भी मैं आपको पावर पॉइंट ही करवा रहा हूँ। तो ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, पांचवा नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखें, ये कहता है गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आउटपुट आएगा। तो ये हमारा बेसिक का क्वेश्चन है, और इसको मैं पांचवे नंबर पे डाल देता हूँ, और एक तरह से इंफॉर्मेशन में भी आप इसको डाल सकते हैं, तो मैं इसको इंफॉर्मेशन में डालना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक है, जैसा आप इनपुट करेंगे सूचना वैसी ही आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग से स्केल ए पिक्चर इन इट्स ओरिजिनल साइज, मतलब ओरिजिनल साइज में कौन लेके आता है, रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, आप इस तरह से कर आप उसे ओरिजिनल साइज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका ये वर्ड का ही क्वेश्चन हो गया, तो आप ऐसा कर ले फिर, या तो जैसे आप खुद दिमाग लगाते ही है कई बार, तो आप तो ऐसा करें भी वर्ड ही पढ़ लेते, फिर बाकी चीज़ों की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसका मतलब ऐसा नहीं होता बेटा, और यही जगह होती है जहां हमें मात मिलती है। व्हाट इज द पोर्ट नंबर NNTP, NNTP का पोर्ट नंबर क्या होगा, NNTP का पोर्ट नंबर जो है वो आपका D होगा, 119 होगा। पोर्ट नंबर आप याद कर ले, और पोर्ट नंबर की लिस्ट भी मैंने कई बार आपको कही है कि आप पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल के नाम ये आप लोग तैयार कर ले, चाहे पोर्ट नंबर हो गया, शॉर्टकट कीज होगी, DBMS की लिस्ट होगी, फुल फॉर्म होगी, सर्च की लिस्ट होगी, वायरस की लिस्ट होगी, तो ये उसके ही पार्ट है, आपको तैयार करने पड़ेंगे। द इंटरनेट यूज विच प्रोटोकॉल, इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, तो आपको पता ही है कि नॉर्मली TCP/IP ही चल रहा है, तो ये तो प्रोटोकॉल का एक क्वेश्चन और आ गया। तो क्या हम ऐसा करें कि केवल प्रोटोकॉल ही रट ले पूरी तरह से, नहीं, ठीक है, ये बात ही आपकी अजीब सी लगती है कि आप इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं या सोच लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन करना जरूरी है, तो इस तरह की बातें ना करें। रिव्यू विंडो स्प्लिट हो गया, दो भागों में बांटने के लिए पेज लेआउट में स्प्लिट हो गया, रिव्यू में स्प्लिट हो गया, व्यू में स्प्लिट हो गया, तो आपका जवाब जो हो जाएगा व्यू के अंदर
क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया। एम एस एक्सेल में न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज ए लेबल वैल्यू, और जो है लेबल वैल्यू के रूप में यूज होती है एम एस वर्ड के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि उसको हम किससे शामिल करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये शामिल होता है डैश के द्वारा शामिल होता है। एम एस एक्सेल का हो गया, तो ये हमारा एक्सेल का एक क्वेश्चन और आपका भर चुका है। तो आपके कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं तो ये कहता है हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस। तो आपको पता ही है कि IP एड्रेस जो है 128 बिट का है, और ये आपके IP वाले में शामिल हो गया 2। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, माउस किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट आउटपुट है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो आपको पता ही है कि माउस आपकी इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्वेश्चन आपका बढ़ चुका है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2। और उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज फर्स्ट डेवलप बाई, मतलब हिस्ट्री का हो गया, कंप्यूटर हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया कि बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा दिया गया था, जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा दिया गया था। ये मैंने कई बार आपको बताया भी है, बेसिक के अंदर है, और आप एक तरह से इसको अपने अगर नाम अलग सा देना चाहें तो हम इसे हिस्ट्री में डाल सकते हैं। और ये हमारा हो गया हिस्ट्री में आ गया। नेक्स्ट देखिए, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। सीधा मैं आंसर बता देता हूँ, 1AF हो गया, और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। तो नंबर सिस्टम वाले में हम एक क्वेश्चन जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो बेसिक में हमारा ये नंबर सिस्टम है, इसमें है ये हमारा 3rd क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो है HTML और XML जो है मार्कअप लैंग्वेज है, और किस लिए डेवलप की गई है, वेब के लिए गई है। HTML देखिए सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो HTML आई थी, फिर उसके बाद में जो है वो HTML आई थी, और XML जो है वो ज़्यादातर एड्रेस के लिए यूज में आती है। मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सके। तो आपको पता होना चाहिए कि HTML के अकॉर्डिंग है, और ये हमारे वेब के अंदर HTML से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये HTML का क्वेश्चन हो गया। ये पहले जैसे HTML था तो उसमें 2 पहले से लिखा हुआ था, तो अपने इसको 1 कर देते हैं। और ये CSS का क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं आया हमारा, XML का भी कोई क्वेश्चन हमारा अभी तक नहीं आया, ये हटा देते हैं पुराने वाला हम लोग, ठीक है, और कंट्रोल S कर देते हैं। तो ये आज हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और ताकि हम लोग देख सकें कि किस प्रकार से उसका आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट अगला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा।